यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हरियाणा हलचल में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो चंडीगढ़ से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 12 से 31 मई तक बंद रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद होने के चलते किंग्स इलेवन पंजाब के शेड्यूल में भी शामिल होंगे। तो मोहाली में अब किंग्स इलेवन पंजाब के 3 ही मैच होंगे। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 12 से 31 मई तक बंद रहेगा, बाकी 4 मैच इंदौर में खेले जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 12 से 31 मई तक बंद रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कि एयरपोर्ट बंद होने के चलते किंग्स इलेवन पंजाब के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है। तो मोहाली में अब किंग्स इलेवन पंजाब के 3 ही मैच होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट 12 से 31 मई तक बंद रहेगा और बाकी के 4 मैच इंदौर में खेले जाएंगे। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से दे रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 12 से 31 मई तक बंद रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि इसी के चलते किंग्स इलेवन पंजाब के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है। तो इसी बदलाव के बाद मोहाली में अब किंग्स इलेवन पंजाब के सिर्फ 3 ही मैच होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुमार रमेश हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जी कुमार रमेश, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, चंडीगढ़ में 12 से लेकर 31 मई तक एयरपोर्ट बंद रहेगा जी, और इससे यात्रियों को भारी परेशानी होने वाली है जी। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो एयरपोर्ट बंद होने की स्थिति में जो आईपीएल मैच होने जा रहा है वो बड़ा प्रभावित रहेगा। आईपीएल मैच में किंग्स इलेवन जो पंजाब की टीम है उसके शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब जो है मोहाली में पंजाब के 3 ही मैच होंगे और जो चौथा मैच है वो अब इंदौर में खेला जाएगा। इस प्रकार का निर्णय जो है आईपीएल ने लिया है। और जाहिर तौर पर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी, जो क्रिकेट फैंस जो बाहर से देखने के लिए आ रहे हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी परेशानी होगी। तो इस प्रकार की जो सूचना आई है उस सूचना के अनुसार जो है 12 से लेकर के 31 मई तक जो है यात्रियों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद रहेगा जी। बिल्कुल, तो भारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार रमेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ 12 से 31 मई तक बंद रहेगा और इसी के चलते आईपीएल पर काफी प्रभाव इसका पड़ने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि बाकी के जो 4 मैच होंगे वो इंदौर में खेले जाएंगे और मोहाली में ये मैच अब नहीं होंगे। साथ ही आपको बता दें इंटरनेशनल एयरपोर्ट 12 से 31 मई तक बंद रहेगा, जिसके चलते किंग्स इलेवन पंजाब के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है। तो मोहाली में अब किंग्स इलेवन पंजाब के 3 ही मैच होंगे।